आज जाफरी अब्बास एजुकेशनल सोसाइटी से। आज का जो हमारा टॉपिक है मोशन इन 1D। 1D का मतलब क्या होता है? जब कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है प्लेन सरफेस पे मूव करता है, ट्रेवल करता है, उसे हम 1D कहेंगे। 1D में डिफरेंट काइंड ऑफ पॉइंट्स हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? रेस्ट एंड मोशन। क्लियर? इसका नाम है मोशन। मोशन में सबसे पहला पार्ट हमारा आता है रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, आप जैसा देख पा रहे हैं कि सारी कार हैं, बाइक्स हैं, दे डोंट मूव विद देयर सराउंडिंग, ठीक है। बट एज वी टॉक अबाउट मोशन, मोशन में क्या होता है? सराउंडिंग चेंज होती है, ठीक है। जब सराउंडिंग चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको हम मोशन बोल देंगे। क्लियर? तो पहला पॉइंट जो है रेस्ट है, जिसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही, इनकी ये सराउंडिंग है, इनकी 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 ये, और सराउंडिंग चेंज हो रही है तो मोशन में आ गई, ठीक है, विद द टाइम। तो ये हमारा पहला पॉइंट था। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेट्स सी, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, कोई मूव कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, यानी कि 20 मीटर ट्रेवल करा 5 सेकंड में, नेक्स्ट 20 मीटर 5 सेकंड में, नेक्स्ट 20 मीटर फिर 5 सेकंड में, नेक्स्ट 20 मीटर 5 सेकंड में, दिस इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? यही बॉडी ट्रेवल कर रही होगी अनइक्वल डिस्टेंस में। अनइक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जैसे फर्स्ट फेज में 20 चली, फिर सेकंड फेज में 60 चली गई, फिर 85 हो गई, फिर 100 हो गई, फिर 200 हो गई। अब आपने ऐसा देखा कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर बाई बॉडी विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। ये हमारी वेलोसिटी हो जाएगी, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये हमारा है एक मोशन है, ये 7th क्लास का छोटा सा टॉपिक है बच्चों के लिए, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या होता है? कोई भी बॉडी स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करेगी, ठीक है। कर्विलिनियर का मतलब क्या होता है? थोड़ा से कर्व कर जाएगी कोई बॉडी, ठीक है। ये कार है, आ रही है, ये हल्का से मूव कर जाएगी। सर्कुलर पाथ में जैसा कि आपको दिख रहा है, इस तरह से मूवमेंट करेगी। सर्कुलर पाथ में जब कोई भी बॉडी मूव करेगी, तो वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस लगेगा और सेंट्रीपेटल फोर्सेस लगेगा, जो कि आपके कोर्स में नहीं है, आगे 9th और 10th के लास्ट के लिए होगा। तो जो सेकंड टॉपिक है हमारा, वो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग टू डिस्कस डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस, एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल बाय द बॉडी, ठीक है। ये जैसे ए है, यहाँ से एक बॉडी मूव करी, बी पे पहुंची, बी पे से यहाँ सी पे पहुंची, तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करा जाएगा, टोटल लेंथ ट्रेवल करी जाएगी, वो उसकी डिस्टेंस होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये हमने बोला 5 किलोमीटर है, या मीटर ले लीजिए, कोई भी आप यूनिट ले सकते हैं। 5 मीटर ये है और ये 7 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी 5 प्लस 7, इज इट क्लियर? अब नाउ वी टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजिशन। दिस इज द इनिशियल एंड सी पॉइंट इज फाइनल पोजिशन, राइट? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ये रास्ता दिखा दूं मैं आपको, ये ठीक है, ये हमारा रास्ता है, ये यहां से ट्रेवल करेगा, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। इज इट क्लियर? अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनिट। यूनिट दोनों की मीटर होगी, और इसमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगा डिस्टेंस में, यू मस्ट बी रिमेंबर, बिकॉज दे आर स्केलर क्वांटिटी
having magnitude. Clear? अब as we talk about displacement having particular direction. जब भी displacement की बात होती है तो हम particular direction को लेके चलते हैं. अब जो हमारा last part है वो है acceleration. Acceleration का मतलब क्या होता है? Rate of change of velocity with time. तो rate of change of velocity इसका मतलब क्यों कहा गया है? क्योंकि उसमें देखिए acceleration की बात करते हैं तो उसमें initial velocity भी आ जाती है, final velocity भी आ जाती है. ठीक है, final velocity और initial velocity क्या होती है? Initial velocity जब कोई body rest में होती है तो उसको हम initial velocity बोलते हैं. कोई moving object है उसको final velocity बोलते हैं. यानी कि body rest से motion में आ रही थी तो वहाँ से initial to final हो गए. जब हमारा retardation लगने लगता है, retardation में final velocity initial velocity में convert हो जाती है, initial velocity final velocity में convert हो जाती है. और जब ब्रेक लगता है 5 सेकंड के बाद कुछ टाइम के बाद तो वो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है और इनिशियल वेलोसिटी कुछ हो जाती है. ठीक है, उसके भी वैल्यू आपको तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें. फाइनल वेलोसिटी जीरो.